सब लोगों का स्वागत है ऑप्शंस फॉर टुमारो में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो। आई होप आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, जिस तरीके से कल आपने अच्छे लाइक्स दिखाए उस तरीके से वीडियो में भी लाइक करिएगा। शुरू करते हैं आज का ऑप्शन चेन। फिलहाल मार्केट ने फिर से एक गैप अप लिया, कल की क्लोजिंग के बाद फिर से गैप अप लिया, फिर से गैप अप को नीचे डाउन लिया। अभी थोड़ा सा एक जगह मार्केट बहुत बड़ा पॉज लेने की कोशिश बार बार कर रही है। देखिए ये लेवल ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है मार्केट के लिए, और ये लेवल है कहां पर? ये लेवल है 23,500 के आसपास। इसका मतलब कि शायद 23,500 के लेवल पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में थोड़ी सी सिमिलैरिटी के नंबर दिखने चाहिए। मैंने अभी ऑप्शन चेन चेक नहीं किया है, हम रिफ्रेश करेंगे और सबसे पहले देखेंगे आज निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहना चाहता है। 23,500 क्या आज के लिए कोई सपोर्ट बन सकता है या फिर रेजिस्टेंस बन सकता है या फिर हमें वेट करना होगा? सब कुछ क्लियर हो जाएगा अभी। और सबसे पहले 23,500 आज एक्सपायरी भी है, इसीलिए मार्केट 23,500 को क्रॉस नहीं कर पा रही है, लेकिन वहीं नीचे रिवॉल्व कर रही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आप 450 को गौर करेंगे, 450 को गौर करिए, बिल्कुल नियरेस्ट जो 500 के नीचे का स्ट्राइक प्राइस है, 450 पे 1,48,000 के आसपास चेंज इन हुई है पुट राइटिंग में, वहीं पर 1,34,000 के आसपास चेंज इन हुई है कॉल राइटिंग में। तो इतने बड़े नंबर के साथ 1.5 लाख के आसपास के साथ 10,000 का डिफरेंस कोई खास, 10-12,000 का डिफरेंस है, 10-14,000 का डिफरेंस कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो क्विक हर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़ा मामला यहाँ टाइट है, ये मार्केट को प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहा है। और 23,500 पर अगर आप देखो तो 4 लाख के आसपास कॉल राइटिंग है फिलहाल, बहुत ह्यूज नंबर है एज कंपेयर टू पुट राइटिंग जहां 2,16,000 नंबर है, यहां ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस आ रहा है। सो दिस क्या कर रहा है, ये 23,500 पूरी कोशिश कर रहा है कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, इसीलिए हम देख रहे हैं लगातार मार्केट जो है 23,450 और 23,500 के बीच में रिवॉल्व पूरी करने की कोशिश कर रही है। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अगर 500 को क्रॉस भी करती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल फिलहाल निफ्टी के लिए नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तो 518-520 के आसपास तक के आप लेवल्स मान सकते हैं। 450 का जो लेवल था वो देखिए मार्केट ने टच भी किया है। अगर हम देखें 450 का, मैं इस लेवल को थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज कर लेना, शायद 470 का लेवल था बट मैं इसे 460 का लेवल लेकर चल रहा हूँ और इसको मैं मार्क कर रहा हूं बोल्ड तरीके से। ये दो लेवल फिलहाल के ऑप्शन चेन नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो रहे हैं। एक ये ट्रेंड लाइन जो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते होंगे, हो सकता है कि स्कैल्पिंग वाले बहुत सारे लोग 3 मिनट पे ट्रेड करते होंगे, तो अगर आप 3 मिनट का चार्ट लगा रहे हो तो वहां आपको, अगर मैं लगाकर देखूं 3 मिनट का चार्ट, तो वहां आपको ये ट्रेंड लाइन काफी ज्यादा काम आएगी। अगर 3 मिनट का चार्ट हम निफ्टी का देखें, वहां आपको कुछ एक सिनेरियो अच्छा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं क्योंकि अब मैं स्ट्रेटजी बंडल पे जो काम कर रहा हूं उसमें 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड्स की स्ट्रेटजीज हैं, 5 मिनट्स भी हैं, कई सारे टाइम फ्रेम है, इसलिए मैं तो मुझे ध्यान आया फिलहाल अभी। तो ये कुछ इस तरीके से एक आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी और इस ट्रेंड लाइन पर थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, वो मैंने 5 मिनट में आपके साथ ड्रॉ कर दी है। वैसे थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा एक ये कुछ इस तरीके से पैटर्न जो है 3 मिनट में बन रहा है, आपको मैंने बनाकर दिखा दिया है। दूसरी चीज, अब 3 मिनट में जब ये टाइम फ्रेम बन रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और यहां पर RSI थोड़ा स्ट्रेंथ गेन कर रही, तो अगर कोई बुलिश मोमेंटम आता है थोड़ा बहुत, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो चीज हमें 3 मिनट के टाइम फ्रेम में दिख रही है फिर हम उसको ऑपरेट भी 3 टाइम में, ये नहीं कि हम यहां 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लें हम एक बुलिश मोमेंटम फिर 15 मिनट का चार्ट लगा लें और बैठ जाएं लेकर कॉल, ये गलत होगा। तो जो टाइम फ्रेम है उसी हिसाब से आपको ट्रेड भी, इस पर हम कभी और डिटेल में बात कर लेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, हालांकि वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं बट अगर आप कमेंट करोगे तो एक बार फिर से मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं, 5 मिनट में 15 मिनट में 2 टाइम में एनालिसिस करके कैसे मार्केट को एनालाइज करते हैं, उस पर आप बोलेंगे तो हम कोशिश कर लेंगे एक वीडियो बनाने की। चलिए फिलहाल ये मैंने आपको एक अलर्ट दिया है, एक लर्निंग टिप दी है, उस पर ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ जो है एक माहौल टाइप बन रहा है और इस माहौल का आप सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने भी स्टडी किया है वो सभी लोग जानते हैं कि इस तरीके से अगर डबल टॉप पैटर्न बनता है
तो फिलहाल डबल टॉप का नेकलाइन अगर हम देखें तो 520 के आसपास, मींस ये सिनेरियो कहीं शायद अगर होता हुआ दिखे, फिलहाल पॉसिबल बहुत कम लग रहा है क्योंकि 500 पर अच्छा खासा एक हमें क्या दिख रहा है, कॉल राइटिंग दिख रही है, और कॉल राइटिंग हमें क्या बताती है, कॉल राइटिंग हमें बताती है एक रेजिस्टेंस का रूप। तो फिलहाल हम ड्रॉ कर लेते हैं, अगर कुछ ऐसा दिखता है और नंबर चेंज होते हैं तो शायद हमें ये लेवल्स दिख जाए। बाकी मैंने आपको यहाँ ड्रॉ कर दिया है, इसके जो हमने ड्रॉ किया है इसके चांस बहुत कम नजर आ रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ऑप्शन चेन में 23,500 एक रेजिस्टेंस है, और तो कैसे हम पैटर्न्स को देखकर सिर्फ ना कूदें, उसके लिए कल भी जैसे मैंने आपको हिंट दिया था कि 51,100 इज अ वेरी गुड सपोर्ट, अगर आपको याद होगा कल बैंक निफ्टी में। फिलहाल फिर से देखें ऑप्शन चेन 23,500 4,747 के साथ नंबर बढ़ा है, यहां पर भी थोड़ा सा नंबर बढ़ता हुआ नजर आया है, बट फिलहाल अभी बहुत ज्यादा नंबर है 23,500 के रेजिस्टेंस जोन को सपोर्ट देते हुए, तो 23,500 इज अ सपोर्ट। देखिए अभी इसको ब्रेक नहीं कर रहे, मार्केट प्रोबेबली चांस हो सकता है कि यहां से थोड़ा सा ड्रॉप करने की कोशिश करे 50 RSI के आसपास से। अब ड्रॉप करता है तो क्या 23,450 अब रेजिस्टेंस बना है, ये चेक करते हैं कि मार्केट क्या उससे भी नीचे जाएगा। 450 को देखें तो 1,33,000 के आसपास कॉल राइटिंग के नंबर दिख रहे हैं, और जहां पुट राइटिंग के नंबर अभी थोड़े से और बढ़ गए, तो यहां मामला टाइट बिल्कुल नजर आ रहा है। रेंज बना लेते हैं भाई, क्योंकि फिलहाल ऑप्शन चेन मार्केट को पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो ये फिलहाल रेंज है। अब आपको रेंज मिल गया है तो रेंज आपको बढ़िया हेल्प करेगा एक अच्छे ट्रेड के लिए। ऑप्शन चेन पर नजर रखिएगा, रेंज ब्रेक होने का इंतजार करिएगा, और आपको एक बढ़िया ट्रेड कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्शन में जरूर देखने को मिल सकती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिलहाल RSI अभी आप देख रहे हो ये लगातार 40-60 के बीच में है, ठीक है। प्रोबेबली चांस क्या होंगे, ज्यादा चांस क्या हो सकते हैं, ज्यादा चांस हो सकते हैं क्योंकि 500 पर तगड़ा जो है डिफरेंस है कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में, और 4,61,000 यहाँ पे नंबर है या 2,63,000 यहाँ पर भी नंबर बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि धीरे धीरे नंबर एक डायरेक्शन में जब बढ़ना शुरू हो जाए। अब देखिए 450 पे धीरे धीरे पुट राइटिंग के नंबर बढ़ रहे हैं, जब तक 500 पर पुट राइटिंग लगभग यहाँ जब 460 है, यहाँ अगर 4,00,000 के आसपास आ जाए पुट राइटिंग पे, तो आप समझना कि नीचे से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और 500 के ऊपर ब्रेक करने की कोशिश मार्केट आगे कर सकती है। वेट करना बहुत अच्छा रहेगा कि लगभग नंबर क्रॉस हो जाए, ज्यादा हो जाए, हो सकता है आपको मार्केट उससे पहले क्रॉस करने की कोशिश करे, बट फिलहाल जो नंबर आपको रेंज दे रहे हैं फिलहाल जब तक इसी रेशियो प्रोपोर्शन में नंबर बढ़ेंगे मार्केट उसी रेंज में रहेगा। बट यहाँ पे आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं, अच्छे पैटर्न मिल सकते हैं, यहाँ पे पैटर्न्स का ध्यान रखिएगा। आई होप एक अच्छा ट्रेड, फिलहाल स्टॉप, फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है, जो था मॉर्निंग में 2 कैंडल का वो निकल चुका है। फिलहाल RSI 40-60 के बीच में है, मार्केट 50 पॉइंट्स के रेंज के बीच में है, तो वेट करिए, यहाँ कोई सिनेरियो नहीं बन पा रहा है। बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है। बढ़िया सा एक चैनल है जो कल के दो पॉइंट्स ने हमें बनाकर दिया, एक ये पॉइंट हमने ऊपर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की, नीचे एक ये सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट था, हमने नीचे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की। आज फिलहाल उस सपोर्ट लाइन को देखें तो टूटता हुआ नजर आया है, टूटने के बाद मार्केट बिल्कुल एक पॉज मोड में चला गया। इस पॉज मोड अगेन हमको यहाँ पर भी ये पॉज मोड एक बहुत अच्छा कोई रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, शायद नीचे का कोई हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। ऑप्शन चेन में चेक करते हैं, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहना चाहता है, 51,330 के आसपास, दिस मींस 51,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट होना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की नई एक्सपायरी, बहुत छोटे छोटे नंबर्स आपको दिखाई देंगे, बड़े नंबर्स नहीं होंगे। यस 51,570,000 का कॉल राइटिंग, अच्छा नंबर, बढ़िया रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू पुट राइटिंग जहां 40,000 के नंबर है। पुट राइटिंग के नंबर्स और अच्छे देखिए सपोर्ट्स के लिए, तो फिलहाल
51,400 भी एक रेजिस्टेंस के रूप में ही नजर आ रहा है। 300 की बात करें तो थोड़ा सा नंबर्स पे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 15,000 और 22,000 के नंबर का कंपैरिजन करना कोई खास बात नहीं है, इसमें कोई खास ज्यादा मजा नहीं आने वाला है। और सपोर्ट के नंबर्स दूर देखें तो 20,000 के आसपास, 51,000 के आसपास नंबर दिख रहे हैं। फिलहाल निफ्टी बैंक में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है। 400 भी हमें एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिखा, तो इसको हम फिलहाल एक रेजिस्टेंस पॉइंट के रूप से लेकर चल सकते हैं। 380 के पॉइंट्स को 415 के आसपास के लेवल्स को ये जो लेवल्स ड्रॉन है, ये मैं आपको आपको पता है, मैं आपको डेली देता हूं टेलीग्राम में। बाकी अगर कुछ नंबर मिस हो जाते हैं इसके नीचे, तो वो मैंने प्राइस एक्शन को ऐड करते हुए यहाँ पे दो लेवल्स ऐड कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो अपने चार्ट में ड्रॉ कर लीजिएगा। और ब्रेकआउट मिल रहा है, ब्रेकआउट मिल रहा है, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट मिल रहा है। अब ये ब्रेकआउट जो है कितना कंफर्म है, इस बात का ध्यान रखिए। क्यों अब इससे नीचे, मैं आपको अभी यहां एक लर्निंग देने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले ये देखिए, क्या इसके नीचे कोई एक ऐसा पॉइंट है जो मार्केट में इस ब्रेकडाउन को रोक सकता है? बिल्कुल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? यहां पर एक स्विंग पॉइंट था, यहां अगेन वो स्विंग पॉइंट था, यहां लगातार एक स्विंग पॉइंट था, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। तो अगर हम ऊपर से ब्रेक डाउन के साथ किसी पुट में एंट्री ले रहे हैं, तो हमें इस पॉइंट पे थोड़ा सा अलर्ट भी होने की जरूरत है, जो लेवल है 51,200 का। तो फिलहाल दीज आर द नंबर्स, आई होप कि ये सारी चीजें आपको हेल्प करें। निफ्टी की बात कर लें तो निफ्टी अभी उसी रेंज में है, जिस तरीके के नंबर्स ऑप्शन चेन में दिख रहे थे वही सारे नंबर्स हैं। मैं इसको 4 मिनट पे लगा कर छोड़ देता हूं, जिससे कि हम जब दोबारा एनालिसिस करने आएंगे तो हम 5 मिनट्स में उसको कन्वर्ट करके इजीली चार्ट को एक्सेस कर सके। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। कॉम्बो कोर्स के लिए वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर किसी से भी अभी तक कॉम्बो कोर्स जो आपने डाउनलोड नहीं किया है, इन सारी टेक्निकल एनालिसिस का एस्पेक्ट नॉलेज लेने के लिए अभी वेबसाइट पे जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम हो तो 7011292996 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।